मस्त छाया हुआ, जिनके साथ अपन सपने देखते उनके साथ ही वो पूरे हो ना, कारवा है का असो आता नहीं तेज रहा वो ये बच्चे लोग सब ऐसे देख कर ना तरीका है। गाड़ी अपना गाड़ी रिजर्व पे लग चुका है तो उसमें बचने के लिए अपन ढलान पे गाड़ी बंद कर रहे और लेके जा रहे फटाफट। ये सब जुगाड़ करने पड़ते भाई लोग, आपको भी आना चाहिए ये सब अगर आप बाइक कर रहे, अगर आप राइड्स करते ड्राइव करते तो आपको आना चाहिए। हर मोमेंट में हर सिचुएशन में आप वहाँ से कैसे बच सकते हैं उस आपत्ति से, तो उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसको आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या करें, वो सीन है। बट ये जंगल तो देखो, खुला आसमां और जंगल और बीच में रोड, उस पर अपने भाइयों के साथ अपन राइड कर रहे, मतलब अलग अलग लेवल का खुशी है मोमेंट, लाइफ मोमेंट। ये सीन है, चेक करो गाइस, अमेज़न के जंगलों में सीधा। चलो मिलते हैं आपको। ये देखो ये अपना कारवा है, कारवा यहाँ पे होंडा एक्सप्लेड, वहाँ पे KTM ड्यूक 390, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, ऐसा कुछ सीन है भाई। और ये सीन के ना पूरे पैसे दिए, मंचर 55 किलोमीटर, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, दिल खुश हो जाता है, अरमान खुश हो जाता है, जज्बात खुश हो जाता है, अपने भाइयों के साथ राइड करने का ड्रीम सबका रहता है, जिनके साथ अपन सपने देखते उनके साथ ही वो पूरे हो ना तो और खुशी आती है अंदर से, बहुत बढ़िया लगता है भाई, एक नंबर। और ये मैन, इसी के तो पूरे पैसे हैं, बाकी सब तो बढ़िया ही। चलो बूम करते हुए जा रहे अपन, बूम बूम Let's go man. और ये देखो भाई अपने आगे ये बस चल रही है, पूरा डोल मोल रही है भाई इधर से उधर, मतलब उसको इतना तकलीफें हो रही है तो आप मेरे को कितना हो रही है, हमको कितना हो रही है बाइक पे, वो सोच सकते हो आप भाई, वो सोचो और सब्सक्राइब कर दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? पता है कि बहुत गंदा तरीका है सब्सक्राइब करवाने का, बट क्या करें, दिस इज बिजनेस मैन, बिजनेस यू नो, बिजनेस। बट आपको बताओ ये यहाँ का लोकेशन कैसा है, ऐसा पहाड़ के ऊपर है, पूरा प्लेन सरफेस है, उसके बीच में गांव है और बीच में से रोड जाता है, ऐसा कुछ सीन है। तो ये सीन को करते बाय बाय और मिलते हैं आपको आगे। ये बघा मित्रांनो, वातावरण का मस्त झालं आहे, असं दुपारच्या 2 वाजता 2:25 वाजता पूर्ण असं ढग आलं आहे, एकदम असं ऊन तर लागतच नाही, बिलकुल भी ऊन नाही आहे, मस्त असं सुनसान असं आम्ही रोडवरती चालू आहे, पोलीसवाले चेकिंग करत आहेत वाटतं, काहीतरी कांड झालं आहे, गावला सप्लायर गावला आहे, तर पूर्ण असं चीलवाला मोमेंट आहे, जो ऊन लागत नाही, जे सकाळी लागत होतं ना ते आत्ता नाही आहे, पूर्ण अशी सावली पसरली सगळीकडे, मजा येते राईड करायला, एकदम प्लेजंटवाला एन्व्हायरमेंट आहे, रायडिंग एन्व्हायरमेंट आहे। बट सीन क्या हो रहा है ना, नींद पूरी नहीं है ना, तो अभी नींद आ रहा है मेरे को आ रही है, इनका पता नहीं इनको क्या आ रहा है, नींद आ रही है, ऊपर से भूख लगी है तो भूख का ही मैं उसको वही पूछ रहा हूँ खाने का किधर, वो एक ही बता रहा है कि मेन रोड पे लगेंगे तब खाएंगे, उसका भी बराबर इधर खाने का कुछ है ही नहीं प्रॉपर हमको उसके लिए। ठीक है अभी एक गांव में आए, कौन से, तो तलेगांव गांव में और टाटा सफारी ओल्ड एडिशन भाई, तलेगांव। ये बच्चे लोग सब ऐसे देख रहे क्योंकि ये लोग तो हेलमेट नहीं पहनते, और अपन ने हेलमेट पहना है, जैकेट पहना है, तो पूरा शॉक हो गया, ये कौन है। चलो निकलते इधर से भी फटाफट, लेट्स गो मैन, लेट्स गो। हाँ पण हाय ना, आपण थोड्या अंतरावरती इथे जॉईन झालो होतो, इथे
अरे हो अरे तो बोलतोय आता ज्या रूटने जायचं ना आपल्याला तर तो रूट तिथं जॉईन रूट झालाय ना आपण जिथं आलो ना इकडून आलो तर आता आपण इकडे जायचं असं करतोय तो पुढे जॉईन झालो हायवे ने चालेल चालेल चल चलो भाई हा चलो पांडवाच ऐसा है भाई पेट्रोल नहीं है जिंदगी सुख नहीं है दुख ही दुख है क्या करने का है ना मेज गोज तेन सुट सुट कर दुट सुट कर द ये गाड़ी वाले बहुत क्लोज आ रहे हैं यार उनको हॉर्न दे रहे फिर भी सुन रहे नहीं साले अभी क्या ऐसा गाड़ी बंद करके चलाने का चलो देखते जिधर लेके जाते जितना चलाने का जितना चल सकते हो ये देखो भाई क्या डेंजर टर्न से नीचे उतरने के टाइम पे भी और चढ़ने के टाइम पे क्या लगी रहेगी हमारी ऐसे डेंजर सिचुएशन में हमने चढ़े अभी उतर रहे पेट्रोल नहीं था फिर भी ये सीन है भाई चेक करो यहाँ पे ऐसे डेंजर टर्न पे मैं गाड़ी बंद करके पूरा रिस्क पे खेल रहा हूँ सही है पीछे सुहास भाई अपने आगे दोनों भाई चल रहे हैं पीछे एक भाई आ रहे हैं तो बीच में मैं ऐसा कुछ है क्योंकि मेरा अगर ख़त्म हुआ तो कोई तो चाहिए मेरे साथ जो मुझे स्पीड दे उनको आगे गए तो रुक सकते जाके फिर पेट्रोल का देख सकते ऐसा कुछ हमने सीन किया है बड़ी नीचे का व्यू तो देखो भाई खतरनाक एक नंबर मैन असं वाटतं नाही इथेच राहावं हे डोंगर दऱ्या बघत पण काय हे दोन दिवसाची मजा वाटते नंतर नाही आपल्याला 45 चालले 45 चालले अजून किती 20-30 चालू शकते हा नाही नाही मी बंदच करून चालवतोय वही पेट्रोल पंप का ही चल रहा है सब वही पूछ रहे हो कितना चली है कितना चल सकती है इसे जाने के लिए जा सकती है और अपनी बट क्या रिस्क लेने का इच्छा नहीं रे बाबा ये देखो ये ऐसे भाई बंद करके निकालने का गाड़ी और अभी धूप आ चुकी है अभी धूप लग रही है वहाँ पे धूप नहीं था मस्त छाया हुआ था बादल से घर ओह देखो छोटा गांव कैसा दिख रहा है उधर से अपने को जाना है अभी सब बढ़िया दिख रहा है चलो मिलते हैं आपको ओह शिट तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके थोड़ा ब्रेक पानी पीने अभी भी हमको बहुत दूर जाना है बट अभी somehow in middle between we are rested for this place now काय इंग्लिश बोलते काय मला समजायला झालं मला काय कळलं आता तुम्ही थांबलो इथं आता निघणार थोड्या वेळात तर आम्ही थोडं रेस्ट करतो नंतर भेटू तर भाई लोग रेडी फिर से रेडी आपण भी रेडी तर अभी आपण निघलते सुसु ब्रेक था भाई मेरे को बहुत सुसु लगती इसलिए रुके थे अपन बातें पहले बता रहे हैं तो मेरे पीछे लगे हाँ तो अभी फटाफट निकलते अपने को बहुत दूर जाना है और लंबा 160 किलोमीटर निकलना है घर के लिए बीच में खाने का जगह देखते हैं मेन हाईवे को लगेंगे तब खाने को रुकेंगे तब तक पेट में बहुत भाई मर रहा है मैं खाने के लिए चलो इनका पता नहीं साले खा के आए लगता है मेरे को तो बहुत भूख लगी है चलो पीस आप पेट्रोल पंप पे आ चुके और पेट्रोल मिल चुके अपने को भरवाते और फिर निकलते जान में जाना ये भाई भरवाते भाई फुल करवाते तो चलो पेट्रोल भरवा लिया अभी निकलते फटाफट जान में जाना है भाई थैंक यू गॉड चलो अभी कोई टेंशन नहीं अभी बंद नहीं करेंगे भगाएंगे सीधा लेट्स गो गणपति अब्बा मोरिया अब आएगा मजा मेरे भाई अब आएगा मजा जिंग 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 ये बात अभी कैसा पेट्रोल भरा है तो कैसा मजा बूम 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 ओए भाई नीचे नहीं जाने का नीचे नहीं जाने का
ओहो क्या रोड है यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं इधर ही रह जाओ बस जाओ, जान में जान आई। अब बस पेट में खाना जाए तो और मजा आएगा, अभी इधर का मजा है बट पेट का मजा भी चाहिए मेरे को। और ऊपर के माउंटेन तो देखो क्या दिख रहे हैं, सही दिख रहे यार। चल फटाफट चलते। और ये नजारा तो चेक करो गाइस, दिस इज ब्यूटीफुल मैन, दिस इज ब्यूटीफुल। मजा आ गया भाई, एक नंबर। हाय रे हाय, नींद नहीं या प्यार भरा मौसम दीवाना। मन तो कर रहा है भाई मेरा उधर जाके नहाने का, बट क्या करूँ ये साले लोग नहीं मानेंगे, मेरे को नहाने नहीं देंगे, मेरे को मार देंगे ये लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को। बट ठीक है, मैं कभी अकेला आएगा ना तो नहाएगा भाई मस्त। मेरे को पसंद है यार ऐसे नहाना, नदी में, धरन में, ओढ़े में, छोटे पानी के तालाब में। पता नहीं क्यों बचपन से मेरे को स्विमिंग पसंद है, खेलना पसंद है, बाइक राइडिंग पसंद है, ड्राइविंग पसंद है, सब कुछ पसंद है। अरे किसी एक का तो हो, किसी एक का। चलो चलते भाई, और मज़ा आ रहा है यार दोस्तों के साथ, मज़ा तो आ रहा है बट भूख भी लगी। अबे सालो खाने का भी देखो बे, खाली चलाने का देख रहे हो, खाने का कौन मैं देखेगा, कैसा लोगे। चलो देखते आगे, नजदीक आ गया अपन इसके, क्या बोलने का यार, चुम्मा मैं चुम्मा। चलो बट क्या करे, नहाने को नहीं नहाने का था मेरे को, मेरे को पसंद है यार ऐसे पानी के नेचुरल सोर्स में नहाने को। मातरे भाई क्या हो गया, कहानी यही तो बातें है, फिर याद आई। सो गाइस अभी का अपडेट दे देता हूँ, अभी बज चुके 3:22, अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, एक मिसल पाव खाए थे सुबह 7 बजे, हाँ 7 के अराउंड, और उस पर अभी तक हमने कुछ 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 भी नहीं खाया। होटल स्वप्नपुर थी क्या यार, मम्मा मेरे को भूख लगी यार, इतना खूबसूरत है समा, मुझे इतना भूख लगी है, चक्कर आ रहा है, मैं कभी भी ऐसा लुढ़क सकता है ये कंडीशन में था, बट मैं मस्त लोकेशन का वीडियो नहीं शूट कर पाया तो मेरे को हिम्मत ही नहीं होता बोलने का। अभी कैसे तो मैंने पचा लिया उसको और फिर अभी मैं बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, क्या करूँ यार बहुत भूख लगी है और आ नहीं जा रहा भाई। भाई ये कोई तो गांव, गांव का मेन बाजार पे आ चुका है, कौन से गांव का है, वालुंज, वालुंज मध्य आप लोग स्वागत है। ये वालुंज भी बहुत बड़ा है वे, कब से लग रहा है इसमें हम लोग, ये जिला तालुका कुछ तो रहेगा वालुंज। खाने का किधर है पता है, ऐसा लग रहा है मेरे को गोली लगी मैं गिर जाएगा कभी भी। अबे यार खाने का देखो बे सालो, कैसे हरामी लोग हो। सलाम म्हणतो हॉन वाजवत होता थांबायला तिथे, बोलू सलाम परत। हा